उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशोक को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। सीजीएम कोर्ट ने दोनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अतीक अशरफ को रिमांड पर ले लिया है। दोनों भाइयों से 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक पूछताछ होगी। पुलिस ने दोनों की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले कोर्ट ने दोनों भाइयों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पेशी के दौरान जब अतीक को असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। अतीक वही जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पीने के लिए पानी मांगा। वही कोर्ट परिसर में अतीक अहमद मुर्दाबाद, उमेश पाल रहे के नारे लगे। साथ ही योगी मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। वकीलों के गुस्से को देखते हुए अतीक और अशरफ को आरएफ के सुरक्षा के बीच सुरक्षित निकाला गया। पुलिस दोनों को एक ही प्रिजन वैन में बैठाकर नैनी सेंट्रल जेल ले गई। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की दिनदहाड़े घर के बाहर गोली बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत 9 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था। वही पुलिस ने विवेचना के दौरान हत्या की साजिश रचने में कई लोगों के नाम जोड़े हैं।